अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ब्रो कोड की आज जो गैदरिंग है वो ईस्ट साइड पे है। ईस्ट साइड में भी मैं भी आता हूँ, उसमें काफ़ी सारे सिटीज़ हैं। आगे चल के आपको मज़ीद भी उनका मैं बताता हूँ। बारबेक्यू की पार्टी है और बीच है डर्लिंगटन प्रोविजनल, बीच भी आप कहें और इसको प्रोविजनल आप पार्क भी कह सकते हैं। ईस्ट साइड में यहाँ पर आपको पहले बुकिंग वगैरह भी करवानी पड़ती है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप बुकिंग वगैरह करवा के आएँ। अगर आप खुद आते हैं तो यहाँ पे बस आपको जस्ट पार्किंग के पैसे देने होते हैं, बाकी आप डे पार्क लेके आप विज़िट करके वापस चले जाएं। तो अभी हम लाइन में यहाँ पे खड़े हैं, अपनी गाड़ी का परमिट लेंगे, क्योंकि परमिट आपको लेना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको जो है वो टिकट भी लग सकते हैं, मतलब फ़ाइन भी आपको जो है वो लग जाएगा। तो वो आपने लेनी है या ऑनलाइन आप ले लें, या पहले जब आप आना है तो आप बुक करवा लें। देखिए कितना खूबसूरत जो है व्यू है। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, वो भी ब्रो कोड की वजह से। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे आए हैं, तो बाकियों से भी आपको मिलवाते हैं। ये ऑलमोस्ट GTA से 1 आवर प्लस की ड्राइव थी। मैं और अदनान भाई इस टाइम हम पहुंच गए हैं। कौन से पार्क अदनान भाई? डर्लिंगटन। हाँ जी, बीच पे आए हैं तो बाकी लड़कों का भी वेट है। आज ब्रो कोड की गैदरिंग है यहाँ पे और पार्किंग का काफी इशू हो रहा है यार यहाँ पे। जो भी आए तो पहले पार्किंग प्री बुकिंग करा के आए, अदरवाइज यहाँ पे वेरा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली जो ये वीकेंड होता है इसके ऊपर। देखें कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ आए हुए हैं और हमारे दोस्त भी कुछ है वो पहुंचे हुए। अबे कहाँ पे गाड़ी पार्क की है आप लोगों ने यार? किधर हो यार, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। अबे भाई क्या हाल है आपके? भाई बुफर का आए हैं हमारे जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं भाई? ठीक है, कर आप लोग आ गए। शुक्रन 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 जनाब आ गए। कैसे हो जी? सलाम ठीक है, वाह सलाम। चिकन कढ़ाई कैसे हैं? ठीक है। बंदा जो है ना कहाँ पे है, कहाँ पे है ना? उनको हम लड़के डिस्कशन कर रहे हैं। नजर आ गए? सात भाई नजर आ गए, सिंपली नजर आ गया यार। कितने लड़के जो है सिंपली को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, लगता है कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। किसका? आ गया युगंडा का के ब्रो कोड का प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है ब्रो कोड। प्राइम मिनिस्टर और कोने में कर लेते हैं। बिलाल भाई जोर लगाओ यार थोड़ा। ओए यार रमजान भाई पीछे से लग जाओ यार। ये चीज ओए होए होए होए। माशाल्लाह काफ़ी सारा सामान लेके आए हैं, फुल ट्राली जो है साथ भाई भर के लेके आए। देखें ट्राली में कितना सारा सामान जो है वो आ जाता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, ये नया नाम कैसे पड़ गया तुम्हारा? एक और गाड़ी आ गया है जी, इसमें हमारे बाबा जी की गाड़ी है जो माशाल्लाह जिसमें सारा सामान ही है उनके पास। जनाब बाबा जी आप आ गए, ये गाड़ियों की पार्किंग की जगह है और भी पार्किंग की काफ़ी जगह है, लेकिन आपको यहाँ पे परमिट लेना पड़ेगा। परमिट के बगैर आप यहाँ पे गाड़ी लगाएंगे तो आपको फाइन हो जाएगा। यहाँ पे पार्किंग का ये फ़ायदा है कि बिल्कुल ही आप यहाँ पे साथ ही आके अपने जो है कैंप वगैरह कुछ भी आप लगाना चाहें तो आप साथ ही लगा सकते हैं। ये देखें लोग बैठे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे।
तो अभी बारबेक्यू की जो है हम तैयारी कर रहे हैं, कोयले वगैरह डाल दिए हैं ताकि ये जल जाएं और उसके बाद जो है अपना हम बारबेक्यू शुरू करते हैं। बाबा जी आज क्या तासुर है आपका बारबेक्यू पर? ये ओए किधर भाग रहा है? आ जाओ अश्वा वाले, फिर तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं खाऊंगा। ठीक है हम खा लेंगे यहाँ पे, है ना? पहले खा भी लेना। साथ भाई देखो मेहनत कर रहे हैं, कोयले वगैरह जला रहे हैं, है ना? माशाल्लाह ब्रो कोट का बारबेक्यू स्टार्ट हो चुका है और कुछ लड़के जो बीच पे चले गए हैं और कुछ अभी बैठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मजा आने वाला है आज। सात भाई ने मेहनत किया, कितनी मेहनत किया जी कोयलों पे? अबे बहुत मेहनत। अगर ये बना लिए ना अच्छे कोयले, हाँ अच्छा जबरदस्त। अदनान भाई बारबेक्यू कर रहे हैं, क्या बात है माशाल्लाह। चलें फिर मिलते हैं आपसे, हम नहाने जा रहे हैं। जी कुछ लड़के हमारे पहले चले गए थे, कुछ जो है वो बारबेक्यू के लिए बैठ गए हैं और अभी जो है ज़्यादातर लड़के ब्रो कोड के वो बीच पे जा रहे हैं और ऑलमोस्ट जो है हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी मज़े का मौसम है। ऐसे बस बंदा कहता है बारबेक्यू और साथ यहाँ पे घूमता वगैरह रहे और मज़े जो है करता रहे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि जब समर का टाइम स्टार्ट होता है तो लोग बीच पे पार्क वगैरह में कैंपिंग पे, जैसे आप लोगों ने हमारी कैंपिंग देखी तो वहाँ पे जो है लोग जाते हैं। अब देखें हमारे इसमें कुछ लड़के जो है वो ऑलरेडी बीच के अंदर गए हुए हैं और स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं, नहा रहे हैं, मतलब के जिसमें हमारे बाबा जी हैं और भी लड़के हैं। तो कुछ लड़के यहाँ पे खड़े हैं, कोई कह रहा है जी किसने जाना है, कोई कह रहा है मैं अभी जाता हूँ, बाद में जाता हूँ, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, काफ़ी ठंडा था। ऐसे ठंडा था ना कि बंदा कहता है कि यार इसमें तो लगता है ऐसे कि जैसे वो बंदा फ्रीज़र से पानी निकाले ना, वो ही बिल्कुल ठंडा यख था। लेकिन लड़कों ने हिम्मत की है, गए हैं। बस ये एक होता है कि आप जब फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उस टाइम ठंडा लगता है, जब आप अंदर चले जाते हैं तो फिर आप जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो एक दो लड़के हमारे इधर पास बैठ गए थे, उन्होंने कहा जी हम बैठते हैं और आप लोग स्विमिंग करके आएँ और उसके बाद फिर बारबेक्यू खाएँगे। कैसे हैं जी, कैसे रहा आपका पानी में गए आप? बहुत मजा आया बाबा जी के साथ। बाबा जी ये पानी में गए, पानी चस बड़ी आई है। ठंडा था पानी के नहीं? नहीं पानी ठंडा था लेकिन हमने जाके गर्म कर लिया। हाय 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 क्या बात है, आपने भी सेम? पानी बहुत ठंडा था। लड़कों ने माशाल्लाह एफर्ट करके, अदनान भाई, फैज़ान ने, एक और भाई हैं हमारे, तो बारबेक्यू काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रेडी कर लिया था। जैसे ही लड़के स्विमिंग वगैरह करके आए तो ठंड लग गया और आगे बारबेक्यू रेडी हो तो फिर जो है ना बंदा थोड़ा थोड़ा और नॉर्मल हो जाता है। तो अभी जो है लड़के बारबेक्यू खाने में मसरूफ़ हैं। कैसे लग रहा है भाई टेस्ट आपको? बेहतरीन। सही बताएं मज़े का है? आपको कैसे लगा टिका और कैसे लगा यहाँ पर आके? अच्छा लगा? दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब्दुल्ला आप कैसे लगे आपको? सात भाई, सात भाई के लिए सात भाई कैसे लगे? बिलावल साहब, औशफा अपना लग रहा। अच्छा बना है बारबेक्यू? अबे ये जली हुई आपको कैसे लगा? मज़ेदार मज़ेदार लगा। जो डाले गरम गरम। बहुत शुक्रिया जी अदनान भाई, आप माशाल्लाह लगे हुए यार बारबेक्यू पे। और अरे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पोज बना के तस्वीरें ली अपनी। अदनान भाई आप भी जबरदस्त यार, अच्छे बना रहे बारबेक्यू। सात भाई कैसे चिकन टिक्का बना हुआ है? उस्मान का छीना हुआ चिकन टिक्का कैसा लग रहा है? अबे नहीं यार, चाचू की बिरयानी ने मसाला लगाया जबरदस्त। चाचू बिरयानी जिंदाबाद। और आपको सही लग रहा है खा के? बहुत मजा। क्या बात है। थैंक यू।
कैसे कैसे जैद भाई कौन से सबसे पहले ओ यार जैद भाई ये अच्छी बात नहीं है यार कैसे तो अभी ये दो तीन लड़कों का बहुत शौक हो रहा था कि यार बीच पे चलते हैं चलो हमारे साथ हमने कहा चलो चलते हैं जिसमें अशर पाटिन कनाडा और अब्दुलरहमान तो इनको साथ हम कंपनी देने मैं और अरीब जो है इनके साथ जा रहे हैं तो देखते हैं कि ये पानी में जाते हैं या नहीं इन कनाडा अपनी पिक्चर लेने में इस टाइम बिजी हैं आप देखें इनको और ये एक और आ गए पहुँचाते हैं और ब्रो कोड की गैदरिंग के इवेंट भी हम ओए होए होए जाओ 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 अबे जाओ लड़के जा नहीं रहे यार इतना ठंडा पानी है क्योंकि अब ठंड हो गई है ना पहले नहीं थे जी तो अभी बारबेक्यू होके बीच पे डन होके तो हम वापस जा रहे हैं पैकअप करके वापस जा रहे हैं पैकअप करके तो गाड़ी में आपको दिखाते हैं काफी सारा सामान था पेट्स वगैरह थी सारे है ना सब कुछ वाइंड अप किया है सब कुछ वाइंड अप सब किया जा हमने। चुके हैं और हम दो अकेले आखिरी बचे हैं हम दो बच गए हैं बाकी सब चले गए हैं यार आग बुझानी थी सब कुछ करना था लंबा काम होता है काफी लंबा काम होता है चलो कोई नहीं यही गेट टुगेदर होता है फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़ अच्छी अभी हम जा रहे हैं मैं और अदनान भाई बाकी लड़के भी चले गए थे तो वापसी भी हमने कहा आप लोगों के साथ थोड़ा सा व्यू जो है वो भी शेयर करें यार व्यू बहुत ही मज़े का है दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त सब्ज़ा ही सब्ज़ा और बीच में रोड हो क्या ही मज़ा आता है और ऐसे लॉन्ग ड्राइव हो तो उसकी क्या ही बात है